तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। कल इसमें 0.5% की तेजी देखने के लिए मिली है। आज इस दिन जो है गुड फ्राइडे की छुट्टी है, इसलिए मार्केट क्लोज है। और आज अभी अभी एक अपडेट इसमें आया है जो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, 29 मार्च 2024, और आज भी जो डेट है वो 29 मार्च 2024 ही है। 12:23 पे वीडियो बना रहा हूँ और 12 बजे के आसपास ये अपडेट आया है। 12 बजे का ही एकदम नेट टू नेट अपडेट आया है। 30 मिनट के बाद ये अपडेट आप लोगों को दे रहा हूँ और इसी तरह से फास्ट अपडेट आप लोगों को आगे भी देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये जो अपडेट आया है वो मतलब इनका कुछ प्रोजेक्ट जो है वो ऑपरेशन में अब आ गया है, उससे रिलेटेड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है ना। मतलब कुछ प्रोजेक्ट लग रहा था, अब उसका जो है ऑपरेशन मतलब शुरू हो गया है, प्रोडक्शन शुरू हो गया या फिर बिजली उत्पादन शुरू हो गया, उससे रिलेटेड ये अपडेट है। कौन सा है तो यहाँ पे देखिए, 29 मार्च 2024 का मैं PDF ओपन कर लिया हूँ। हालांकि ये सब कुछ अंग्रेजी में है तो उसको हम लोग हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, 29 मार्च 2024 वाला सेम PDF हिंदी में कन्वर्ट हो गया है। अब सबसे पहले यहाँ पे विषय पढ़ लेंगे तो सेबी के कुछ रूल रेगुलेशन के द्वारा ये जो है परियोजना के संचालन से रिलेटेड जो है ये अपडेट है। अब कंपनी कह रही है यहाँ पे, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली विभिन्न पूर्ण स्वामित्व वाली स्टेप डाउन सहायक कंपनियों के माध्यम से, जैसा कि अनुलग्न ए में सूचीबद्ध है, खावड़ा गुजरात में कुल 775 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन किया है। अब इसकी जो है को कई सारी स्टेप डाउन कंपनी है पूर्ण स्वामित्व वाली, उनके माध्यम से ये जो है शुरू किया है, प्लांट शुरू किया है, जिसमें किसकी किसकी कितनी हिस्सेदारी है नीचे हम लोगों को दिख जाएगा। कुल मिला के 775 मेगावाट की ये जो परियोजना है उसका संचालन अब शुरू हो चुका है। मतलब पहले लग रही थी, अब लग चुकी है सब कुछ, अब सीधा बिजली बनना बस बाकी है। और वहीं पे बताया भी जा रहा है कि प्रासंगिक मंजूरी के आधार पर 29 मार्च 2024 को सुबह 00 मतलब वही 12:12 के आसपास ये जो है संयंत्र को चालू करने और 29 मार्च 2024 से बिजली उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो मतलब आज 29 मार्च से बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। अब उसकी बिक्री उक्री भी शुरू हो जाएगी, कि किसको कितनी दी जाएगी, किसको कितनी, वो तो कंपनी जाने और उसको जो भी ऑर्डर मिलेगा वो जाने। अपडेट आएगा तो उसको भी मैं कवर कर लूँगा। जो ये 775 मेगावाट का संचालन शुरू हुआ है उसमें कुछ जो विभिन्न पूर्ण स्वामित्व वाली स्टेप डाउन सहायक कंपनियां हैं उनमें किसकी किसकी कितनी हिस्सेदारी है वो यहाँ पे बताया गया है। अनानी ग्रीन 25B लिमिटेड के पास जो है 500 है हिस्सेदारी है। वहीं पे अदानी ग्रीन एनर्जी 26B के पास 100 मेगावाट है। अदानी रिन्यूएबल एनर्जी 55 लिमिटेड के पास जो है वो 12.5 मेगावाट है। अडानी हाईब्रिड, अडानी ग्रीन एनर्जी 24, अडानी ग्रीन 25, इसी तरह से जोधपुर 6, इसी तरह सारी की सारी कंपनियों के पास 10 मेगावाट, 15 मेगावाट, 25 मेगावाट के जो है अधिकार हैं कुंभ, ठीक है ना, या फिर कह लें सीधा सीधा हिस्सेदारी है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, बस यही छोटा सा अपडेट था। उसके बाद वाला 27 मार्च वाला अपडेट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या अपडेट आया है, कैसे आया है। अगर कल देखेंगे तो एक और जो है 180 मेगावाट का इनका जो प्लांट है वो शुरू हुआ और उसके लिए अडानी पावर ने रिलायंस इंडस्ट्री के साथ साझेदारी भी कर ली है। तो ये सब मैं बताया था आप लोगों को, जो आपको पता होगा, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा। बाकी अगर इसका हम लोग देखेंगे दोस्तों तो कंपनी बहुत शानदार है, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है। 56% प्रमोटर की हिस्सेदारी है, 18% FII की हिस्सेदारी है, 1.5% DII की हिस्सेदारी है और 24% पब्लिक की हिस्सेदारी है। वहीं पे अगर देखेंगे तो कंटिन्यू इसके जो है लगातार इसके रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। वहीं पे बात करेंगे इसके नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में भी लगातार पिछले 4-5 साल से बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, जबकि 2019 में शेयर जो है कंपनी जो है 471 करोड़ लॉस में थी। उसके बाद 2020 में भी 61 करोड़ लॉस में थी, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू जो है वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। आप लोग स्वयं देख सकते हो और जाके चेक भी कर सकते हो। देखिए, कंपनी कुल मिला के अच्छी है, कोई दिक्कत वाली वैसी बात है नहीं। अगर डिविडेंड की बात करेंगे तो डिविडेंड हाल फिलहाल में कंपनी ने नहीं दिया है, स्टॉक स्पीड बोनस कुछ भी नहीं दिया है। रिटर्न अच्छा खासा दिया है इसने,
1 महीने में 4% का निगेटिव रिटर्न है, 3 महीने में 17% और 1 साल में 96% तक का इसने रिटर्न दिया। मतलब 1 साल में पैसा जो है डबल कर दिया है आप लोगों का। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको। और ठीक कंपनी है, अच्छी है। 12 इसके स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रहे हैं, 2 वीकनेस, 1 अपॉर्चुनिटी और 1 थ्रेट से देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं पे अगर देखें क्राइटेरिया, तो 75% क्राइटेरिया वो कंपनी फिल कर रही है। टेक्निकल ट्रेंड न्यूट्रल है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, जो अभी मैं आप लोगों को सेल्स और नेट प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। बढ़िया कंपनी है, 29,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, नहीं 2,90,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और अगर इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो देखिए कंपनी बढ़िया है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लोग खरीदारी करना चाहते हैं, तो 1670 रुपये जो अभी रिसेंट का लो बना है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग जैसे इसमें 2400 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपका बहुत लॉन्ग टर्म का भी है, तो आपको जो है 3000 या 3200 तक का भी टारगेट मिल सकता है, लेकिन फिर आपको जो है थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा। और बड़ा का मतलब हो गया कम से कम 1200 तक का स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा। 1500 के आसपास मिलेगा, तो फिर इसमें आप लोगों को एक बार एवरेज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, 1400 के आसपास मिलता है तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए, शॉर्ट टर्म वालों के लिए स्टॉप लॉस फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। वीडियो पसंद आ गया है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।